हाय एवरीवन आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से रिंग थ्योरी और हम कर रहे हैं बी एस ए सेकेंड ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है अवैस्टेकल जबरा उसका हम पार्ट फर्स्ट जो है आपका एक के जो क्वेश्चन आते हैं रिंग थ्योरी वो हमने स्टार्ट किया हुआ है ठीक है तो पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि डिफिनीशन क्या है वाट इज़ द रिंग एंड एग्जाम्पल मतलब उसके रिंग थ्यूरी का डिफिनीशन क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या हैं ठीक है ठीके? आज हम क्या करेंगे रिंग थ्योरी से बेस जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मुझे लगे हैं मैंने उसको पिकअप किया हुआ है तो वो क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा ठीक है थोड़ा तो वीडियो हो सकता है लॉन्ग ला, हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आज हम उसी पे बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक चलिए शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेलाइकन अगर आप बी सेकंड से ईयर में वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके ठीक है चलिए शुरू करते चलते अपने व्हाइट बोर्ड पे तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं आप मैच कर लेना अपने हिसाब से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कर रहा है द सेट क्यू रूट पी टू ए प्लस बी रूट पी सच डैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर वेयर पी इज प्राइम ये जो डिफाइन उन्होंने किया है क्यू रूट पी ये पी जो प्राइम होना चाहिए और जो इसके एलिमेंट हैं वो ए प्लस ए प्लस बी इंटू रूट पी के तरह के एलिमेंट इसके होने चाहिए जो इसका सेट बनाया गया है ठीक है अब पूछा जा रहा है फॉर्म्स आर रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर ठीक है तो ये आपको फाइन करने हैं ठीक है इसको आपको प्रूव क्या करना है कि ये रिंग है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम आते हैं रिंग के जो डिफिनीशन है वो एक बार थोड़ा सा आप रिविजन देख लीजिए पहला जो आर वन था आर वन प्रॉपर्टी था कि जो आर प्लस डाट के रूप में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और सेकेंड जो आर टू होगा आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए ठीक और जो इसकी आर्थरी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव ला डिस्ट्रीब्यूटिव ला लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटा एडिशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करना चाहिए ये तीन प्रॉपर्टी अगर कोई भी नॉन इम्प सेट अगर सेटिस्फाई करता है तब हम कहेंगे वह सेट क्या है कि वो रिंग है ठीक है वो रिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तब हम कहेंगे इतनी सारी प्रॉपर्टी को कि वो रिंग बना रहा है ठीक है तो चलिए बस यही अवेलेबल होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है पांच प्रॉपर्टी है आपके पास एडिश आ, क्लोजर एसोसिएटिव इनवर्स आइडेंटिटी और कम्पिटेटिव सेम ही होने के लिए बस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्लोजर और एसोसिएटिव दिखाना है इसके लिए आपको ए डॉट बी प्लस सी इसका जो है रिजल्ट आता है उसके बाद बी प्लस सी इंटू ए ठीक है ये बताया गया पहले तो ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तब हम कहेंगे कि ये जो Q रूट रूट पी जो सेट डिफाइंड है ये रिंग फॉर्म करता है ठीक है तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को तो आते हैं सबसे पहले हम आर प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो क्यू रूट पी है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में इज एन अवेलियन ग्रुप यही तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है अवेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए ठीक है अवेलियन होने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर क्लोजर लॉ ठीक है इसमें क्या होता है दो एलिमेंट आपको लेने हैं किससे क्यों कि रूट पी से और दोनों को ऐड करें उसी के अंदर बिलोंग कर जाए तो हम कह देंगे क्लोज प्रॉपर्टी सर्टिफाई करता है तो हमने कंसीडर किया एक्स स्क्ल टू ए प्लस बी रूट पी एंड वाई स्कल टू कंसिडर कर दिया एक एलिमेंट सी प्लस डी रूट पी और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं क्यों रूट पी से ठीक है इसी टाइप का एलिमेंट आपको लेने हैं क्यों रूट पी से ठीक है तो वही हमने दो एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं एक्स प्लस वाई को तो ए प्लस बी रूट पी प्लस सी प्लस डी रूट पी ठीक है आप चाहें तो ए को सी के साथ ऐड कर लीजिए ए प्लस सी और बी प्लस डी रूट पी ऑबियस है कि ये किसके अंदर बिलोंग करेगा Okay? क्योंकि ये इसी टाइप का एलिमेंट है देख रहे हैं ना ये इसी इसी तरह का से बना रहा है ए प्लस सी ए के इक्वल हो जाएगा बी प्लस डी किसके हो जाएगा एंड बी के इक्वल हो जाएगा मतलब आप ऐड करें तो ये अगर ए बी सी डी अगर रेशनल नंबर हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा रेशनल नंबर ही आएगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर ला सेटिस्फाई कर गया अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जो आपका है वो है एसोसिएटिव ला एसोसिएटिव ला ओके एसोसिएटिव होने के लिए आपके पास तीन एलिमेंट चाहिए ठीक है तो हमने एक्स कंसीडर किया ए प्लस बी रूट पी और वाई स्क्ल टू हमने कंसिडर कर लिया सी प्लस डी रूट पी ओके और जेड स्क्वल टू हमने कंसिडर कर लिया ई e प्लस एफ रूट में पी ठीक है ये हमने तीन एलिमेंट कंसिडर कर लिया और जो बिलोंग कर रहे हैं किससे क्यों रूट पी से, से बिलोंग कर रहे हैं ओके अब आपको करना क्या है आपको देखिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड स्कल टू यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्रूफ कर देना है मतलब लेफ्ट साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड क्या करना है प्रूव कर देना है ठीक है तो चलिए प्रूव करते हैं रखिए वैल्यू यहाँ पर x की जगह पे क्या है a प्लस बी रूट पी और y के जगह पे क्या है S c प्लस डी रूट पी बैल्यू रख रहे हैं और ओवरऑल आपको z इसमें ऐड करना है e प्लस एफ रूट पी ठीक है वैल्यू हमने रख दिया अब आपको कुछ ऐसे इसको एडजस्ट करना है कि x बाहर हो जाए और y प्लस जेड को आप एक साथ ऐड कर लें ठीक है तो आप ए सी और ई e को एक साथ ऐड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ए सी प्लस ई e। ठीक है चलिए ए प्लस सी प्लस ई e प्लस बी प्लस डी प्लस यफ रूट बी यहाँ सामने ऐड कर लिया प्लस e एफ और ये ब्रैकेट में आपको हो जाएगा रूट का एफ e ओके अब आपको क्या करना है सिंस एडिशन इज एसोसिएटी इन क्यों तो यहां से क्या होगा आपका ए प्लस सी प्लस ई को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ई लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इससे उसके बाद बी प्लस डी प्लस एफ को लिख सकते हैं ठीक है और ये आपका हो जाएगा रूट का पी ठीक है अब देखिए ध्यान से इसमें आप इसको हम यक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं ठीक है यहाँ से यक्स यक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो इस तरह से आपका ये एसोसिएटिव भी क्या कर गया होल्ड कर गया बाकी प्रॉपर्टी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आई तो एग्जिस्टेंस ऑफ आईडेंटीम थोड़ा समझ ले लिया। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू रूट पी और कोई एलिमेंट अगर हम ले लें किस तरह का ए प्लस बी रूट पी टाइप का किससे क्यू रूट पी से तो देयर एग्जिस्ट कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए आइडेंटिटी किसके अंदर क्यों रूट पी के अंदर सच डेट ए प्लस रूट पी ए प्लस रूट पी में हम ऐड करें और यहाँ पर क्या आज करें उस एलिमेंट को ऐड करें फिर यहाँ पर ए प्लस रूट पी को ऐड करें तो आपका यही एलिमेंट आ जाए मत्सम में आ रही है तो कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट करने में की बात करें तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो रूट पी एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि अंदर जिसको इसके साथ अगर आप ऐड करते हैं तो यही एलिमेंट आता है ए प्लस बी रूट पी एलिमेंट आएगा तो हमें आइडेंटिटी मिल गई जीरो प्लस जीरो रूट क्योंकि ए बी आपका रेशनल नंबर से बिलोंग करता है तो जीरो तो हो सकता है ठीक है तो यहाँ से देख सकते हैं आप जब दोनों को ऐड करोगे इन दोनों को ऐड करोगे तब भी यही आएगा ठीक है इसका मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया आइडेंटिटी इस सेट की जो आइडेंटिटी मिल गई क्या मिल गई जीरो प्लस जीरो रूट पी इसको अगर बोले तो एक्चुअली में जीरो ही है ठीक है यानी जो हमारा ये क्यू रूट पी की जो आइडेंटिटी मिल गई वो क्या मिल गया जीरो या कुछ इस तरह का ठीक है अब फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डिप्रेशन आपको पता ही है एवरी कोई भी एलिमेंट क्यों से लें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए आइडेंटिटी हमारे क्वेश्चन में क्या है जीरो है ठीक है तो इसमें क्या होगा चलिए प्रूव करते हैं तो अगर फॉर एवरी ए प्लस बी सपोज एक्स स्क्ल टू ए प्लस बी रूट पी जो बिलोंग करेगा क्यू रूट पी से कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं क्यू से ठीक है देयर एग्जिस्ट -x यानी -x का मतलब यहाँ पर माइनस लगा दे बोथ साइड्स ठीक है तो भी इसके अंदर बिलांक करेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो तो x में अगर हम इस minus -x को ऐड करते हैं तभी हमारा आइडेंटिटी यहाँ पर आएगा 0 यानी इस टाइप का कोई भी आपके पास एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स क्या होगा बस आपको साइन चेंज कर देना है यानी प्लस है तो आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है इसका मतलब हमारे पास जो इनवर्स मिल गया इनवर्स क्या मिला इस टाइप का कोई भी एलिमेंट होगा तो ये क्या होगा उसका इनवर्स हो जाएगा ठीक है यानी हमें इस ग्रुप का इनवर्स भी एग्जिस्ट तो कर गया तो चार प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई यानी क्यों रूट पी जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है अब हम पांचवी प्रॉपर्टी जो इसकी है कॉमोटेटिव की ये देखेंगे कि क्या ये कॉमोटेटिव होल्ड करता है कि नहीं करता है ठीक है तब हम कह देंगे कि ये अवेलियन ग्रुप बना रहा है और हमारी प्रॉपर्टी जो आयरन प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी ठीक है तो हमारी जो पांचवी प्रॉपर्टी है कम्पट्रेला कंप्यूट्रिले का मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट ए और बी अगर लेते हैं इस सेट से अगर दोनों को हम ऐड करें और बी प्लस ए आ जाए तो हम कह देंगे क्या है कम्यूटेटिव होल्ड करता है तो वही हमने दो एलिमेंट लिया है एक्स बराबर अब ध्यान दें इसके एलिमेंट आपको ऐसे ही लेना है कुछ इस टाइप का ही लेना है तो हमने कंसीडर किया ए प्लस बी रूट पी और वाई कंसीडर कर लिया सी प्लस डी रूट पी दोनों क्यू रूट पी से बिलोंग कर रहे हैं अब दोनों को हम ऐड करते हैं यानी एक्स प्लस वाई को ऐड करें तो ए प्लस बी रूट पी प्लस सी प्लस डी रूट पी ऐड कर लिया तो ए को ए के साथ ऐड करिए सी के साथ और बी प्लस डी को एक साथ हम ऐड करेंगे अब ये बताइए x प्लस ए इजक्ल टू ये आया ठीक है अगर मैं वाई प्लस यक्स निकालूँ तो कुछ चेंज नहीं होगा सी प्लस ए इसी को आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तब भी ये, ये यही आने वाला है इसका मतलब दोनों इक्वल्स आ रहे हैं x प्लस वाई इजक्ल टू वाई प्लस यक्स इसका मतलब क्या है कि क्यों रूट पी एडिशन के रिस्पेक्ट में अवेलियन फॉर्म कर रहा है ठीक है आपका। तो जो हमारीफाई करेगा ठीक है अब हम देखेंगे आर्टू प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है तो आइए हम देखते हैं अपनी आर्टू प्रॉपर्टी आर्टू प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सेमी ग्रुप होने के लिए क्लोजर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वो क्लोजर ला होल्ड करना चाहिए यानी दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं एक और वाई अगर लेते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो भी वो इसके अंदर ही विलांग करें क्यों रूट पी रूट, रूट पी का हो, वो सेट बने ठीक है तब हम कह देंगे कि ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी रूट पी इंटू सी प्लस डी रूट पी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ए सी प्लस बी डी ए सी और ए में मल्टीप्लाई करिए तो ए डी रूट पी ओके अब हमने इसका मल्टीप्लाई से करना है तो बी सी रूट पी और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बी डी और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा पी हो जाएगा आपका ठीक है कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं तो नहीं ए सी प्लस बी डी पी और यहां से क्या होगा प्लस ए डी प्लस बी सी रूट का आपका यहाँ पर पी हो जाएगा ठीक है तो आप ध्यान से देख सकते हैं ए बी सी डी अगर सब क्या है रेशनल नंबर है तो ए भी ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा और ये यह यहाँ भी जो एलिमेंट है वो भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा ओके इसका मतलब जो ये सेट हमारा आया हुआ है ये बिलोंग करेगा क्यू रूट पी से बिलोंग करेगा इसका मतलब जो सेमी ग्रुप की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर ला वो सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है कुछ नहीं किया दो एलिमेंट लिया दोनों को मल्टीप्लाई किया उसी सेट के अंदर बिलोंग कर गया तब तो हम कह देंगे क्लोजर ला सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है एसोसिएटिव ला मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सर्टिस्फाई करना चाहिए ओके okay? तो हमें क्या करना है तीन एलिमेंट लेना है एक्स वाई जेड किस से क्यू रूट पी से इसी एलिमेंट से, से लेने हैं और एक्स वाई जो जो एलिमेंट आपको कंसिडर करने हैं वो इसी टाइप के होने चाहिए मतलब हम एक्सपर एक्स प्लस ए एक्स ए प्लस बी रूट पी लिया तो वाई स्क्वल टू आपको सी प्लस डी रूट पी लेना है और जेड स्क्वल टू ई प्लस एफ रूट पी लेना है ठीक है जब आपने एलिमेंट कंसीडर कर लिया तो यहाँ से जब आप ये अप्लाई करोगे एक्स डॉट वाई डॉट जेड तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये रिजल्ट आ जाएगा ठीक है तो यहां से ये सेटिस्फाई कर जाएगा एसोसिएटिला ठीक है यानी जो हमारी R2 टू प्रॉपर्टी है R2 टू प्रॉपर्टी क्या है हमारा आ, Q रूट रूट पी जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है सेमी ग्रुप होने के लिए क्लोजर और एसोसिएटी चाहिए था जो सेटिसफाई कर गया ठीक है अब हमारा आता है थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटी इन क्यू रूट पी ठीक है तो चलिए इसको प्रूव करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिला तो तीन एलिमेंट आपको लेना है क्यू रूट पी से लेना है एक्स का लेना है ए प्लस बी रूट पी टाइप का लेना है और वाई का लेना है सी प्लस डी रूट ए, रूट पी टाइप का लेना है और वाई जेड का लेना है ई e प्लस रूट पी टाइप का लेना है यहाँ वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटला आपको डिफिजर पता ही है एक्स इंटू वाई प्लस जेड होता है तो यह वैल्यू पुट करिए इसको सिम्प्लीफाई करिए सिंप्लीफाई जब करेंगे आप तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड टाइप का होना चाहिए तो इसको आप देखिएगा सिम्प्लाई करके सिमिलरली आप इसको ऐसे इसको भी भी आप सटिस्फाई करते हैं यानी तो हमने ये जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आएगा आपका एक्स टू वाई प्लस जेड जो होगा एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू जेड हो जाएगा आपका ठीक है यानी हमें ये प्रूव कर दिया उसके बाद इसके एक और से पार्ट जो है इसका यानी वाई प्लस जेड जो होता है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिड है ठीक है तो इजीली आप इसको भी आप रख के कर सकते हैं सिमिलरली ठीक है तो यहां से वाई एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्रूफ हो जाएगा हेंस हेंस क्यू रूट पी जो आपका है ये इज़ आ रिंग फॉर्म करेगा ठीक है तो ये रिंग फॉर्म करेगा रिंग होने के लिए सारी प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवा दिया आर वन आर टू आर थ्री सारी प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवा दिया तो फाइनली ये आपका रिंग प्रूफ हो गया ठीक है तो ये था पहला क्वेश्चन जो काफ़ी थोड़ा लॉन्ग हो गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बट कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में आना चाहिए और हाँ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करें ठीक है आपको डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएंगे सोशल नेटवर्किंग इंस्टाग्राम फेसबुक जाके वहाँ मैसेज करिए या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सअप लिंक उसमें ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन हो जाइए वहाँ से अपनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार ठीक है तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो मैट्रिक्स पे बेस पे है और ये क्वेश्चन आप मैच कर लेना अभी हमारे अकॉर्डिंग ये फोर्टीन या सिक्सटीन सेवनटीन पूछा गया क्वेश्चन ये तो आप मैच कर लेना अपनी बुक से अपने अनुसार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको वेरेबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर चेंजिंग थोड़ा सा मिलेंगे बट आपको अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन ऐसा आता है आपको प्रूव करना है तो आपको ऐसा ही करना है ठीक है आपकी किताब में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पर ये ज़ीरो है यहाँ पे ठीक है तो वो वाला खुद आप ट्राई करिएगा ओके okay. तो आप उसको ट्राई करना मैं इसको बता दे रहा हूँ ठीक तो है तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन करने से पहले आ, फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले हम लेट कंसीडर कर लिया हमें तीन एलिमेंट चाहिए था हमने ए इज टू एजिम कर लिया और हाँ आपको एलिमेंट जो लेने हैं सेट ऑफ रियल नंबर ये कुछ अलग मैंने बनाया ताकि ये सेम ना दिखे ये सेट है आपका आर और यहाँ पर ये रियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो तो यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट आपको लेने हैं वो इसी टाइप के लेने तो हमने कंसिडर कर लिया ए वन माइनस बी वन ठीक है A1 -B1, B1, A1, और बी स्कल टू तो हमने कंसिडर कर लिया a2 टू माइनस बी टू बी टू और आपका a2 ठीक एंड c स्कल टू तो हमने कंसिडर कर लिया a3 b3 बी थ्री माइनस और ठीक? मैं बोल बार 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 आपको बोल रहा हूँ ये बेस पे क्वेश्चन आते हैं ठीक है आप एक क्वेश्चन इस तरह का देख लो यहाँ पर कोई मिसिंग हो मतलब थोड़ा सा कोई चेंजिंग होगा यहाँ मैट्रिक्स में और तो उससे कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो आपने तीन एलिमेंट कंसिडर कर लिया किस से कम हमने आर से किस से आर से इस आर से जो नॉन सेट दिया हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी होती है आर ओन प्रॉपर्टी वो ये होता है कि इसको हमने क्या दिखाने होते हैं इसको हमको ग्रुप प्रूफ करना होता है यानी अवेलियन ग्रुप प्रूफ करना होता है अर ओन प्रॉपर्टी यही तो कहता है ना कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर वो अवेलियन फॉर्म कर गया तो हम कह देंगे कि आर्यन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या है आ, हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि जो स, दो एलिमेंट आप लीजिए इस टाइप से और उससे क्या करना है उसी सेट के अंदर वो विलांग कर जाए तो ए प्लस बी अगर हम करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है क्लोजर ला तो ए प्लस बी आप करते हैं तो यहाँ से ए वन माइनस बी वन बी वन ए वन प्लस एड ए टू माइनस बी टू बी टू और ए टू जब इनको आप ऐड करोगे तो ये कुछ इसी टाइप के एलिमेंट मिलेंगे जैसे आप ए वन प्लस ए टू माइनस बी वन प्लस बी टू ठीक है बी वन प्लस बी टू और ए वन प्लस ए टू तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कि जो एलिमेंट है ये ये इसी टाइप को दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए अरे बी वन बी टू आपको रियल नंबर लेना है यहाँ रियल ये भी रियल नंबर लेने हैं तो मैटर नहीं करता बट जो मैट्रिक्स आपका गिवन है ये उसी टाइप का मैट्रिक्स है यानी ये, ये प्लस बी भी, भी, भी बिलोंग कर रहा है किस से आर से इसका मतलब ये क्लोजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है हेंस लिख देंगे यहाँ पर हेंस आर इज क्लोज अंडर एडिशन ठीक है अब नेक्स्ट जो इसमें सेकेंड नंबर है वो क्या है आपका एसोसिएटिव है क्या है एसोसिएटिव है तो देखते हैं एसोसिएटिव तो सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ला है इसमें तीन एलिमेंट लेने होते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के अगर हम ये ले कर चले ये प्रूव कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा तो जब आप मैट्रिक्स के बारे में आपको पढ़ा ही होगा ट्वेल्थ में तो एडिशन आपको आता ही होगा तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा माइनस बी वन बी वन और ए वन प्लस इन दोनों को आप एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ से ए टू माइनस बी टू बी टू ए टू प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री बी थ्री और ए थ्री ठीक है तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है आपका ये आपका है फर्स्ट एलिमेंट ठीक है और ये आपके हैं बी और सी तो हमने फाइनली ये प्रूव कर दिया एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा आप इसको सिंपली कैलकुलेशन करना है तो इस तरह से जो हमारा ये मैट्रिक्स आर है वो एसोसिएटिव है यानी सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई एग्जिस्टेंस ऑफ एडेंटिटी में क्या होता है आप एक कोई भी एलिमेंट आर से लें देयर एग्जिस्ट एक आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक ऐसा आपको मिल जाए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे आर से कि जिसको हम ऐड करें तो हमें ए एलिमेंट ही मिल जाए ठीक है तो यहाँ से ये यह आपको करना है तो ए बराबर आप कुछ भी ले सकते हैं चलिए हम ए बराबर इसको लेके देखते हैं तो ए स्क्ल टू हमने लेट कंसिडर कर लिया ए स्क्ल टू ए वन माइनस बी वन बी वन और ए वन आर से बिलोंग कर रहे हैं देर एग्जिस्ट जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको ए में आप ऐड करोगे तो क्या आएगा कुछ इस तरह का जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा हमें लेना ही तो एलिमेंट इसी टाइप का लेना है ना तो ए बी बराबर ए बी बराबर जीरो ले लीजिए सच डेट जिसको आप ऐड करोगे तो यही मैट्रिक्स यही आने वाला है मतलब अगर इसमें ए वन माइनस बी वन बी वन और ए वन में अगर हम जीरो मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स अगर ऐड करते हैं तो ये यह यही मैट्रिक्स आपका आने वाला है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आइडेंटिटी मिला है वो क्या मिला है जीरो मैट्रिक्स मिला है ठीक है इस इस सेट का जो नॉन नाइन सेट आर है इसका जो मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी मिल गई तो जीरो मिल गई इसका मतलब जो प्रॉपर्टी भी कर रहा है और ये जो है इसकी आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स जिसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन का मतलब कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए आर से देयर एग्जिस्ट एक, एक मैट्रिक्स माइनस ए या कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाए आर से जिसको ऐड आप करें जिसको यहाँ पर आप ऐड करें तो क्या आ जाए ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए यानी आइडेंटिटी आनी चाहिए तो ऑबियस है एक का अगर माइनस ए अगर यहाँ पर हम राइट करते हैं तो तभी आपकी आइडेंटिटी आने वाली है यानी जो ये मैट्रिक्स अगर आपने एग्जिस्ट किया हुआ है तो इसकी इनवर्स क्या आएगा तो यहाँ से आप देखिए सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स ये है ए और ये तो इसमें हम क्या ऐड करें कि आपका आइडेंटिटी आ जाए तो ऑबियस है जब इसका आपको माइनस अगर इस मैट्रिक्स के साथ आप लगा दोगे तो क्या आ जाएगा सारे एलिमेंट के साथ ये आइडेंटिटी आ जाएगा जोड़िए इन दोनों को ऐड करिए देखिए आइडेंटिटी आ जाएगा यानी कोई भी मैट्रिक्स आप इस आर से लेते हैं सपोज आपने ए लिया तो इसका इनवर्स जो होगा इनवर्स जो होगा माइनस ए होगा ठीक है लॉजिक यही है जैसे हमने इस मैट्रिक्स में कंसीडर किया ए प्लस ए माइनस बी बी ए किया हुआ है तो इसका इनवर्स क्या होगा इसी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तभी आपने ऐड किया तो ये जियो मैट्रिक्स आया हुआ है ठीक है तो इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया कोई भी एलिमेंट लीजिए उसके माइनस लगा माइनस क्या हो जाएगा उसका इनवर्स हो जाएगा तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कम्पटेटिविला तभी हम कहेंगे कि जो आर प्लस हो है वो क्या है अवेलियन को फॉर्म करेगा कॉम्पटेटिविला का मतलब क्या होगा फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस बी स्क्ल टू बी प्लस ए हो जाए तब हम कह देंगे कि जो ए आर प्लस है ना एडिशन के इसमें अवेल बना रहा है तो सपोज़ ए स्क्वल टू कंसिडर कर लीजिए मैट्रिक्स ए वन माइनस बी वन बी वन ए वन और बी स्क्ल टू कंसिडर कर लेते हैं ए टू माइनस बी टू बी टू और ए टू कंसिडर कर लीजिए दोनों को जब आप एड करेंगे तो करिए ऐड देखिए क्या आता है ए वन प्लस ए टू और माइनस बी वन प्लस बी टू यहाँ पर क्या आएगा बी वन प्लस बी टू एंड ए वन प्लस ए टू ये ऐड करने पे आ गया अब बी प्लस आप ऐड करिए तो बी इजकल टू क्या है ए टू माइनस बी टू बी टू और ए टू एक जगह पे माइनस बी वन बी वन और ए वन तो जब आप ऐड करोगे तो यही मैट्रिक्स आएगा आप देख लेना ठीक है इजी एकदम बिल्कुल है बी वन प्लस बी टू बी वन प्लस बी टू और ए वन प्लस ए टू तो आप देख सकते हैं इजीली कि ए प्लस बी और बी प्लस क्या है इक्वल्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ आर प्लस डॉट आर प्लस डॉट हस आर प्लस डॉट एज अवेलियन अवेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है ठीक है तो ये आपका आर प्रॉपर्टी जो सेटिसंबा तो हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप करिए तो नेक्स्ट इसमें क्या है टू जो होता है वो सेमी ग्रुप होता है सेमी ग्रुप होने के लिए, के लिए क्लोजर और एसोसिएटिव होना चाहिए तो आर्टो प्रॉपर्टी क्या है कि जो आर है ना वो मल्टीप्लिक सेमी ग्रुप बनना चाहिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है क्लोजर दो एलिमेंट जैसे ए और बी लिया दोनों का मल्टीप्लाई करें उसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए लॉजिक यही है तो ए डॉट बी निकाली ए बराबर मैट्रिक्स रखा ए वन बी वन माइनस बी वन बी वन और एट ए वन सिमिलरली बीजा टू ए टू कंसिडर कर लिया दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आर के एलिमेंट जैसा ही आ रहा है मतलब अगर ये सब चीजें आपको दिख रहा है कि कैसे ये आर में बिलोंग कर रहा है तो अगर ए वन ए टू अगर जो ए वन बी वन है और A2 B2 है अगर फील्ड से बिलोंग कर आर से ले रहे हो आप तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो भी ये रियल नंबर ही आने वाला है तो ए बी और ए बी कुछ इसी तरह का आपको दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर कंसीडर करने लेते हैं तो यहाँ पर कुछ और एलिमेंट कंसीडर कर लें तो आपको दिखने लगेगा ठीक है, है तो ये भी बिलोंग कर रहा है तो यानी जो सेमी ग्रुप है उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर वो सेटिस्फाई कर गया अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव तो प्रॉपर्टी तीन एलिमेंट आपको आर से इसी टाइप के मैट्रिक्स से लेने हैं ठीक है ए डॉट बी डॉट सी टू आपको प्रूव करना है कि ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी अगर आ जाता है तो हम कह देंगे एसोसिएटिव है ठीक है तो सबसे पहले एक कल्टू कल्टू कंसिडर करिए ए वन माइनस बी वन बी वन ए वन डॉट मनी मल्टीप्लाई ए टू माइनस बी टू बी टू माइनस ए टू ठीक है ये हो गया आपका अब जो सी कंसीडर करिए थर्ड एलिमेंट जो है उसको हमने A3 थ्री कर लिया ठीक है अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है फिर अगेन यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगा फिर उस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई करें ठीक है तो अगेन आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा तो ये सब चीजें आप बहुत छोटी चीजें हैं आपके लिए तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा ठीक है मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ रिजल्ट ठीक है मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करना ठीक है तो यहां पर यह मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका ए वन माइनस बी वन बी वन और ए वन ठीक है डॉट ए टू माइनस बी टू बी टू माइनस ए टू डॉट आपका ए थ्री माइनस बी थ्री बी थ्री और ए थ्री ठीक है तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया ए डॉट बी डॉट सी ठीक है इसका मतलब क्या है अब मल्टीप्लाई करना यही आने वाला है ठीक है बहुत चीजें मल्टीप्लाई करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कुछ नहीं करते मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलता है फिर अगेन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिलता है फिर ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ठीक है तो यहां से ये देखिए फाइनली हमारा ये जो एसोसिएटि ला होल्ड कर गया इसका मतलब जो टू प्रॉपर्टी है यानी आर इज सेमी ग्रुप ठीक है यानी जो आर हमारा मैट्रिक्स दो टू क्लास टू का दिया हुआ था ये सेमी ग्रुप भी है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछे गए हैं जरूर आप करें चलिए हम इसकी आर्थिक प्रॉपर्टी देखते हैं आर्थिक प्रॉपर्टी यही कहता है डिस्ट्रीब्यूटा तीन एलिमेंट आप लीजिए आर से ठीक है अगर ए डॉट बी प्लस सी ये इक्वल हो जाना चाहिए ए डॉट बी और ए डॉट सी और ये फर्स्ट था सेकंड ये होता है कि b प्लस सी डॉट a टू बी डॉट ए प्लस बी डॉट सॉरी c डॉट ए तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर गया तो डिस्ट्रीब्यूटी यानी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटी ये थर्ड प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड कर जाता है तो हम कह देंगे जो R है वो रिंग है ठीक है थिंग की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a.b c को सॉल्व करना पड़ेगा तो a बराबर कंसीडर कर लिया a1 b1 b1 और a2 इसी मैट्रिक्स टाइप को कंसीडर करना है बहुत कंसीडर करते चले आए हम मैट्रिक्स b बराबर यहाँ पर हमने b और c को दोनों को ऐड कर दिया हुआ है ठीक है तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्ट जब करेंगे तो कुछ इस टाइप का ये आ जाएगा ए वन माइनस बी वन ए वन यहाँ पर बी वन और ए वन डॉट ए टू माइनस बी टू बी टू बी टू यहाँ पे यहां पर आ जाएगा ए टू ठीक है प्लस ए वन माइनस बी वन बी वन और ए वन डॉट सी मैट्रिक्स जो हमने कंसिडर किया हुआ है ए थ्री माइनस बी थ्री बी थ्री और ए थ्री तो ये फाइनली आपका ये आ जाएगा ठीक है तो हमने प्रूफ यही करना था ना कि ए डॉट बी स्कल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी डॉ ए डॉट बी उसके बाद सी डॉट ए ये आपका मैट्रिक्स मैच कर लीजिए जो कंसिडर कहता है वही आया हुआ है सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी ऐसा ही कर सकते हैं यानी b प्लस सी डॉट ई स्कल टू भी ईजिली आप ऐसे ही इसको कर लीजिएगा मैट्रिक्स के वैल्यू रख के सिमिलरली ठीक है तो ये आ जाएगा आपका कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई करना है ओके ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे नेक्स्ट हमारा क्या ये जो भी रिंग है ये कंप्यूटरी होल्ड करता है कि नहीं करता है इसके पास आइडेंटिटी है कि नहीं है तभी तो हम कहेंगे रिंग कंप्यूटर रिंग विद यूनिटी या विद विद आइडेंटिटी तभी तो बताएंगे तो देखते हैं इसके तो इस जो भी ये आपका रिंग आपने देखा तो इसमें कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं तो ए बी इजल टू बी ए भी आ रहा है एंड इसकी जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी वो जी वन जीरो जीरो वन इसमें बिलोंग करता है ठीक है ए बी आपको रियल नंबर लेना तो हो सकते नहीं ये ठीक है तो यहाँ से हम कहेंगे बिलोंग करेगा इज द मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी तो यही एक एलिमेंट मिलेगा जो मल्टीप्लीकेशन के आइडेंटिटी मिलेगा हेंस हेंस आर इज कॉमुटेटिव कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी मतलब मल्टीप्लीकेशन के समेत में इसकी आइडेंटिटी भी मिल गई और एक कॉमोटिटी भी होल्ड कर रहा है और ये आपका आर प्लस डॉट इज अ रिंग भी फॉर्म कर रहा है क्यों क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में यह अवेलियन ग्रुप भी फॉर्म किया और डॉट के रिस्पेक्ट में ये आपका सेमी ग्रुप फॉर्म किया डिस्ट्रीब्यूटी ला और आपका भी होल्ड कर गया ठीक है तो आज हमने यही दो क्वेश्चन किया आप जो बड़े आपके लेंदी क्वेश्चन थे और ये बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार पूछे गए हैं मैच कर लेना अगर ये नहीं पूछे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा आपको मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है ठीक है कौन सा कोई चेंजिंग होगा जैसे आपके बुक में क्वेश्चन मिलेगा आपको कि यहाँ पर क्या है ज़ीरो है ज़ीरो है और यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है ऐसे ही करना है आपके बुक में एग्जाम्पल मिल जाएगा देखिए यही आपको और जो इसका फील्ड से यहाँ पर चेंजिंग है कि फील्ड की जो एलिमेंट लेना है वो क्यों से लेना है ठीक है बाकी सब चीज़ें ऐसे ही करना है आपको इजीली कर सकते हैं आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ठीक है तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए ठीक है तो आप करिए क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें मिलते हैं ऐसे ऐसे ही वीडियो ने साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और हम कुछ और प्रॉपर्टी करेंगे एग्जांपल आप करिए क्वेश्चन करिए अब हमने पढ़ा दिया रिंग रिंग के हो गई कामटी रिंग और यूनिटी क्या होता है सब बता दिया मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिया डिप्रेशन हो गया कई बार तो डिप्रेशन एग्जाम्पल पूछे गए हैं सीधे एग्जाम में ठीक है तो वो भी आप देख सकते हैं और ये दोनों भी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा ठीक है बाकी आपके एग्जाम्पल में जो भी किताब में जो भी क्वेश्चन दिए हैं बुक में दिए हुए हैं एग्जाम्पल सारा कर जाइए कोई डाउट हो तो कमेंट करिए पूछिए आपको ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू बाय